नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, हैदराबाद की गलियों में एक नारा गूंज रहा है और नारा कुछ इस कदर है, जब से आई माधवीलता ओवैसी भाईजान लापता। अब पता नहीं ये नारा सही है या गलत, लेकिन हैदराबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में माधवीलता असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही है, ये लगभग तय है। और असदुद्दीन ओवैसी थोड़े थोड़े बौखलाए हुए हैं। अब देखिए ना, आज ही की बात है, रिपोर्टर ने एक साधारण सा सवाल किया और वो भड़क गए। रिपोर्टर का क्या सवाल था और ओवैसी साहब का क्या जवाब था, पहले आप सुन लें, उसके बाद आगे की कहानी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहुबली माने जाते, तो आप क्या मतलब आपका उसका? ये लफ्ज इस्तेमाल मत करिए हमारे बारे में। आप लगातार यहाँ से जीत, हाँ तो आप ये बोलिए, लोकप्रिय बोलिए। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। और जो लोग हमारी दाढ़ी के, हमारी टोपी के, हमारे हिजाब के, हमारी शनाख्त के, हमारे वजूद के खिलाफ है, जमहूरी तरीके से उनको एक बदतरीन शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला। कौन क्या मतलब आपका उसका? नहीं, उसका मतलब क्या है वो बोलो आप। आप लगातार यहाँ से जीत, हाँ तो आप ये बोलिए, लोकप्रिय बोलिए। हाँ, आप बोलिए, लोगों को हम लोग आवाम हमारे पसंद करती है हमारे का। ये लफ्ज इस्तेमाल मत करिए हमारे बारे में। हाँ, थैंक यू। अपोजिशन किसको मानते हैं सर, आपके खिलाफ जो यहाँ पे? देखिए, इलेक्शन जब आप लड़ते हैं तो आपके खिलाफ जो भी कैंडिडेट रहता है आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और आपको जीतना है, तो जितने भी मद्दे मुकाबिल आएंगे हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब जाहिर है मैदान में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बीआरएस भी है, दीगर और छोटी बीजेपी और ये सब लोग आ जाएंगे। तो हैदराबाद की आवाम ने हमेशा से यूनाइटेड तरीके से मुत्तहदा तौर पर मजलिस को कामयाब किया है और इंशाल्लाह आपके बार मजलिस को कामयाब करेंगे। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया था कि हम आवाम से अपील कर रहे हैं हैदराबाद के सी डबल ए कानून के खिलाफ आप वोट दीजिए, महंगाई के खिलाफ आप वोट दीजिए, नौजवान जो बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया, उनके रोजगार नहीं मिला, उसके खिलाफ वोट दीजिए, चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है उसके खिलाफ आप वोट दीजिए। दरअसल हैदराबाद की कहानी बस इतनी है कि अब तक हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी और उनके परिवार का कब्जा रहा है। उनके पिता रहे, ये रहे, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो हैदराबाद ओल्ड सिटी के मुसलमान हैं वो भी चाह रहे कि यार कुछ अलग करके देख लिया जाए। इस बार देखते हैं क्या होता है। इतने दिनों से तो ओवैसी को जिताया ही है, देखते हैं दूसरे को जिताकर। और दूसरी ओर पहली बार उन्हें एक ऐसा कैंडिडेट मिला है जो रेस में दिख रहा है, कम से कम कड़ी टक्कर दे रहा है, और उस महिला की छवि भी वैसी नहीं है। मुसलमानों की मदद करती रही है, वो एनजीओ चलते रहे हैं, कई मुसलमान गरीब यतीम बच्चे और बच्चियों को उन्होंने पढ़ाया है और तब तक पढ़ाया है जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए। विरंची अस्पताल जिसकी ट्रस्टी हैं, जिसके डायरेक्टर हैं ये माधवीलता, उन्होंने कई मुसलमान गरीब परिवारों का इलाज किया है, बहुत कम पैसे में किया है। कभी कभी तो देने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो मुफ्त में इलाज कर देती थी। और मुसलमानों के बीच माधवी लता की लोकप्रियता को देखकर ओवैसी को खटका है और ओवैसी फिर वही सारी बातें कर रहे हैं कि मेरी दाढ़ी है बढ़ी हुई इसलिए मोदी को चिढ़ आता है, मेरी पैजामा छोटी है इसलिए मोदी को चिढ़ आता है। अरे भाई, मोदी को तो चिढ़ बाद में आएगा, पहले माधवी लता जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं उसकी बातों का तो जवाब दीजिए। आप डायरेक्ट मोदी पर अटैक करके खुद को बहुत बड़ा नेता दिखाना चाहते हैं, एक सांसद वाली पार्टी और एक औरंगाबाद के, इतना ज्यादा अपने आप को कि बस मोदी के बराबर मैं ही हूं, मैं ही लड़ रहा हूं और बाकी कोई नहीं लड़ रहा। लेकिन फंस चुके हैं वो वैसी भाईजान, अपने घर में ही इस बार फंसे हैं, घिरे हुए हैं, और इसलिए उन्होंने पूरी पलटन उतार दी। पिछले 7-8 दिनों से
अकबरुद्दीन ओवैसी, ओवैसी के छोटे भाई, हैदराबाद की उन गलियों में भी टहल रहे हैं जहां आज से पहले वो कभी नहीं गए। उनको जरूरत ही नहीं पड़ी जाने की, और हर जगह जाकर वो एक ही बात कर रहे हैं, मुसलमानों की इज्जत का सवाल है, हारने मत देना हैदराबाद। जनता पूछ रही कि अच्छा आपका परिवार मुसलमानों की इज्जत कब से हो गया। और देखिए ना, एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ओवैसी जाते हैं एक मुस्लिम मोहल्ले में, और वहाँ मुस्लिम एक महिला है, वो कह रही है बाजा लाओ बाजा लाओ। तो ओवैसी कह रहे हैं तुम्हारा बाजा तो तुम्हारे पीछे खड़ा है, देखा मेरी बातों से मोदी डरते हैं, मोदी की मैंने नाक में दम कर दिया। ऐसा है क्या? जबकि हैदराबाद के बाहर विपक्षी दल यानी कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन के दल आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी और ओवैसी में पैक्ट है, लेकिन इस बार वो आरोप भी नहीं चल रहा क्योंकि बीजेपी ने एक मजबूत कैंडिडेट दे दिया है ओवैसी के खिलाफ। अब किस मुंह से इंडिया गठबंधन वाले कहेंगे कि ओवैसी है वो बीजेपी की बी टीम है? कोई अपनी बी टीम के सामने अब इतना मजबूत खिलाड़ी उतारता है क्या जो लगातार चौके छक्के मारे? सवाल कई हैं, आपको क्या लगता है इस बार हैदराबाद में ओवैसी हारेंगे? ओवैसी की नाक में दम कर रखा है माधवी लता ने? या एक सवाल जो कि मीडिया में चल रहा है कि ओवैसी हारे या नहीं हारे, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी को एक ऐसा प्रखर नेता मिल गया है जो सुषमा स्वराज की याद दिलाता है, जो स्मृति ईरानी की याद दिलाता है। दक्षिण में भाजपा को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी, और अगर वो महिला हो तो सोने पे सुहागा। नमस्कार। क्या असदुद्दीन जी सुने मेरे मुंह से ये कहते हुए कि आप दब जाओ, कितने भी तलाक हो जाए शादियां कर लो, फिर तलाक ले लो आप? हम जो मुसलमान पसमंद औरतों के पास जाते हैं उनसे ये बात कहते हैं कि आप ये रेशन ले लो, ये मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, मेडिसिन ले लो, आप पढ़ो लिखो अच्छे हो जाओ तरक्की करो, जो उन्हों कहते हैं कि उनको अभी थ्रेट है, तो उन्हें बदनाम नहीं कर रहे हमें? जो चाहिए अपने लिए बात करना आदत हो गया उनको, निकलेगा नहीं है आदत, तभी हम भी दिखा देंगे तरक्की करो, आप भी हमारे जैसे इस भारत देश की बेटी हो, कोई से आपको किसी प्रकार का भी नष्ट ना आना चाहिए, आपके ऊपर जाति नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, उसके प्रति आपको आवाज उठाना आपका हक है। क्या असदुद्दीन जी सुने मेरे मुंह से ये कहते हुए कि आप दब जाओ, कितने भी तलाक हो जाए शादियां कर लो, फिर तलाक ले लो आप, अरबों से शादी होके चले जाओ आप, गरीबी के दलदल में मर जाओ आप? कभी कहा मैंने ये सारे बात किसी भी मुसलमान औरतों से? हम जो मुसलमान पसमंद औरतों के पास जाते हैं उनसे ये बात कहते हैं कि आप ये रेशन ले लो, ये मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, मेडिसिन ले लो, आप पढ़ो लिखो अच्छे हो जाओ तरक्की करो, और उनके लिए हम कॉलेज के फीस भरते हैं, उनके लिए कुछ हुनर सिखाने की कोशिश करते हैं, हम टेलरिंग औरतों के लिए उनके लिए काम देते हैं, उससे पैसे दिलवाते हैं, और हम बदनाम कर रहे हैं? जो उन्हों कहते हैं कि उनको अभी थ्रेट है, तो उन्हें बदनाम नहीं कर रहे हमें? बदनाम नहीं कर रहे जो जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर फिरते हैं, क्या वो लोग हमको बदनाम नहीं कर रहे? जो चाहिए अपने लिए बात करना आदत हो गया उनको, निकलेगा नहीं है आदत, तभी हम भी दिखा देंगे कि किस प्रकार से ये लोग खुद के कौम के औरतों को दलदल में फेंक कर। अरे भाई, मैं बार बार यही पूछती हूँ कि एक औरत जब जन्म लेती है मरने तक क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए? ऐसा भी कोई इंसान जी है, ऐसा भी कोई इंसान थी, इतनी तरक्की की है, पढ़ी लिखी है। अरे हमारे सामने सानिया मिर्जा जी हैं, शबनाजमी है, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं जो तरक्की कर कर आगे निकल गए हैं, तो आपका मतलब ये लोग सही नहीं थे? हमने कभी भी किसी भी औरत को ये नहीं कहा कि आप बुरका मत पहनो, लेकिन हमने ये कहा है हाँ अपना वजूद बनाओ, तरक्की करो, आप भी हमारे जैसे इस भारत देश की बेटी हो।